यहां पर हमें लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन बताना है और वेपर फेज में उसका मोल फ्रैक्शन बताना है कंपोजिशन मतलब कि आपको उसका मोल कंपोजिशन कैलकुलेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू राउट लो अकॉर्डिंग टू राउल लो फॉर्मुला होता है पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी नाउ स्टूडेंट्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी टोटल टोटल वेपर प्रेशर देखिए यहां पे लिखा है टोटल वेपर प्रेशर इज 600 एमएम ऑफ एचजी कितना है ये 600 एमएम ऑफ एचजी ओके नाउ पी नॉट ए पी नॉट ए मतलब होता है प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर जो कितना है आपके पास बोला है यहां पर 450 और बी का कितना है 700 तो ये आ गया 450 एक्स ए 700 एक्स बी स्टूडेंट्स हमें एक्से और एक्सए बी की वैल्यू निकालनी है तो हमें एक रिलेशन पता है एक्स ए या फिर हम ये लिखते हैं वी नो डेट वी नो द्लस एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन सो एक्स बी इज इक्वल टू वन माइनस एक्स ए ठीक है तो इसे आप यहां पर पुट कर देते हैं तो हमारे पास यहां पर इक्वेशन क्या बन जाएगी सिक्स हंड्रेड इज इक्वल टू फोर फिफ्टी एक्सए प्लस सेवन हंड्रेड इन टू वन माइनस एक्स एप सॉल्व कर लीजिए हंड्रेड एक्स ओके सेवन हंड्रेड को इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा माइनस का हंड्रेड इक्वल टू फोर फिफ्टी माइनस सेवन हंड्रेड तो कितना होता है ये माइनस का टू फिफ्टी क्लियर क्लियर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस से कैलकुलेट कर लो यहां से से तो कितना हो जाएगा हंड्रेड अपॉन टू फिफ्टी तो ये हो जाएगा पॉइंट फोर कितना हो जाएगा पॉइंट फोर ए की वैल्यू आ गई पॉइंट फोर तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स बी की वैल्यू कितनी होगी बी क्या होता है वन माइनस ए तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी पॉइंट सिक्स तो यहां से हमें यह क्लियर हो गया कि जो हमारे लिक्विड के लिक्विड मिक्सचर का जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड मिक्सचर का जो मोल फ्रैक्शन है फॉर एक्स ए वो कितना है पॉइंट फोर एंड फॉर एक्स बी वो कितना है पॉइंट सिक्स अब हमें कैलकुलेट करना है वेपर फेज का कंपोजिशन तो स्टूडेंट्स देखिए फॉर्मूला क्या होता है वेपर फेज के लिए फेस के लिए होता फॉर्मूलाई एके फोर दिक्विडी पॉइंट फोर पी टोटल कितना है 600 हंड्रेड वाई हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से वाई ए आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा फोर फिफ्टी इंटू पॉइंट फोर अपॉन सिक्स हंड्रेड इजिकल टू वाई ए तो वाई ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपके पास पॉइंट थ्री कितनी आ गई पॉइंट थ्री अगर वाई ए पॉइंट थ्री है तो वाई ए प्लस वाई बी कितना होता है वन तो पॉइंट थ्री प्लस वाई बी इज इक्वल टू वन तो पॉइंट वाई बी कितना आ जाएगा पॉइंट सेवन तो हियर इज द योर आंसर